जय हिंद दोस्तों मैं रूपा सिन्हा आप सभी को जॉब तक पे स्वागत करती हूँ आप सभी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे आज हम एडिटेरिया का प्रैक्टिस शीट टेन ले आए हैं नाइन तक करवा दिए हैं आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आप सभी देख लीजिएगा इसमें टोटल सोलह ऑब्जेक्टिव सेट दिए गए हैं उसमें एक सेट में पचास क्वेश्चन है रोटा सोलह सेक्ट में आठ सौ क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी ध्यान से पढ़िएगा यू पी एस आई बिहार के लिए बेहद ही उपयोगी है बिहार एशाई का एग्जाम बाईस दिसंबर के लिया जाएगा तो आप सभी अच्छा से इसे पढ़ लीजिए तो चलते हैं क्वेश्चन पे अब बी पी का एग्जाम भी तेईस जनवरी को लेने की संभावना है तो आप सभी ध्यान से ये बुक को पढ़ लें और ये बुक खत्म हो जाएगा तो वार्षिक का भी बुक आ गया हिंदी इंग्लिश दोनों में है आप सभी उसको भी करवा देंगे आप सभी देख लीजिएगा चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है पाँच जून विश्व पर्यावरण दिवस दो हज़ार इक्कीस का थीम क्या है पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसका थीम क्या है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ये उन्नीस सौ चौहत्तर से मनाया जाता है पर्यावरण दिवस नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षित प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है ये किया है बिहार सरकार इसमें पहले से भी तैतीस पैंतीस प्रतिशत डिफेंस में आरक्षण है महिलाएं के लिए और पचास प्रतिशत चुनाव में आरक्षण है महिला के लिए नेक्स्ट पे चलते हैं हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरा गो, गोमो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा यह कराना पड़ा है कांगो गणराज्य का गोमा शहर नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है इसका संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है टोटल सत्रह सतत विकास है उसमें पांचवा है लैंगिक पांचवा सतत विकास है लैंगिक से तो इसमें पहला स्थान है छत्तीसगढ़ और सतत विकास सम्मेलन में पहला स्थान केरल है लास्ट में बिहार है नेक्स्ट है हाल ही में इज़राइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इज़राइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नेक्ट है।, है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंटेन किस देश में स्थित है माउंटेन है ये टेबल माउंटेन है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है आग लगी के कारण जनवरी इसमें मारे गए थे ये दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं केट टॉन प्रिटोरिया और ब्लून फाउंटाउन नेक्स्ट पे चलते हैं समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक दो में भारत का स्थान क्या रहा है दो में भारत का स्थान उनचासवा है और 2020 में था भारत का स्थान बावनवा और इसमें दो में, में फर्स्ट स्थान पे कौन रहा स्वीडन रहा नेक्स्ट पे चलते हैं हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं नाडा का स्थापना हुआ था 2005 में इसका नए महानिदेशक बन गए हैं सिद्धार्थ लोंगजाम नेक्स्ट पे चलते हैं एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है इससे पूछ रहा कौन सही नहीं है तो देखते हैं इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था सही है प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान का मिला है ये भी सही है भारत का स्थान तीसरा रहा ये भी सही है इसमें टोटल सही है कोई गलत नहीं है नेक्स्ट पे चलते हैं दो हज़ार इक्कीस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे इसका भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इन्हें लंदन के मेयर ने आमंत्रित किया था वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के अति थीम है द फ्यूचर ऑफ कल्चर नेक्स्ट पे चलते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है ये शुरुआत किया गया है ट्रे फेड द्वारा इसका स्थापना हुआ था उन्नीस में नेक्स्ट है हाल ही में बी आर बी आई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशकों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर तीन करोड़ का जुर्माना लगाया है ये लगाया है आई सी आई सी आई बैंक इसका सी है संदीप बक्सी नेक्स्ट पे चलते हैं इसका एक और बता देते हैं इसका स्थापना हुआ था उन्नीस सौ चौरानवे में आई सी आई सी का नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री अस्पेंसन ब्रिज ओराका का उद्घाटन किस देश में किया गया है ये किया गया है पुर्तगाल की पायवा नदी पर एक सौ पचहत्तर मीटर लंबा है ऊंचा है और लंबाई है पाँच सौ मीटर नेक्स्ट पे चलते हैं हाल ही में पहला गैर क्वार्ट देश कौन बना जिसके द्वारा भारत ने टू प्लस टू मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है तो पहले देखिए क्वार्ट में कौन कौन देश आते हैं भारत यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत टू प्लस टू वार्ता कर लिया है और इसमें एक गैर देश है जो क्वाड में नहीं है उसके साथ है। भारत टू प्लस टू वार्ता किया है रूस है नेक्स्ट पे चलते हैं मेफ्लावर यहाँ फ्लावर होना चाहिए मेफ्लावर चार सौ क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है नेक्स्ट पे चलते हैं इनिस्को गो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दो हज़ार इक्कीस से किसे सम्मानित किया जाएगा ये मिलेगा मारिया शेरा का प्रेस स्वतंत्रता दिवस तीन मई को मनाया जाता है नेक्स्ट पे चलते हैं संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है संसद टीवी के प्रथम सीईओ बने हैं रवि कपूर नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खिया में हाल ही में सुर्खियां में रहा अलक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है अलक्सा मस्जिद जेरूशलम में है ईसाई इस्लाम युद्ध के पवित्र स्थल है जेरूसलम नेक्स्ट है चार मई दो हज़ार इक्कीस को वर्चुअल रूप से जी ट्वेंटी देश का पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई है ये हुआ है इटली में इसका स्थापना हुआ था जी ट्वेंटी का उन्नीस सौ निन्यानवे में इसमें उन्नीस देश प्लस एक यूनियन यूरोपियन है यूरोपियन यूनियन है नेक्स्ट है वर्ज प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है वर्ज प्रहार वर्ज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है युद्धाभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच होता है नेक्स्ट पे चलते हैं विश्व बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है ये किया है आई सी आई सी आई बैंक इसका सी ओ अभी बता चुके हैं संदीप बक्सी है नेक्स्ट है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड दो हज़ार इक्कीस पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है एशियाई महिला है जो भारतीय है कौन है यह कृति के करंत नेक्स्ट पे चलते हैं निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीवी मुक्त घोषित किया गया है टीवी मुक्त घोषित किया गया है लक्षद्वीप को पूरा भारत को 2025 तक टीवी मुक्त बनाने जाने की संभावना है और टीवी दिवस मनाया जाता है चौबीस मार्च को नेक्स्ट पे चलते हैं हाल ही में भारत के किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ये किया है जर्मनी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता फ्रांस की राजधानी है पेरिस सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही नेक्स्ट है, है। द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है जेके रॉलिंग हैरी है पॉटर का भी लेखक है जेके रॉलिंग नेक्स्ट है कोची मंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया है ये किया गया है गेल द्वारा तीन सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया है यह किया है मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं नेक्स्ट है भारत के पहले भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है ये किया गया है दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री है मनुष्य सिसोदिया नेक्स्ट है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है हर घर पानी और हर घर सफाई ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा नेक्स्ट है राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है केरल केरल सबसे साक्षर स्टेट भी है नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है ये चुना गया है माइकल वल्बोवर्क का नेक्स्ट है मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान फर्स्ट किस देश के अंतरिक्ष यान है ये है फर्स्ट चीन का अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह पर गया है नेक्स्ट है प्लेटिपस से जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है यह बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल किस देश में दुनिया का पहला सिप टनल बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है नार्वे में उगते हुए का देश को भी नार्वे को ही कहते हैं फिर सॉरी नार्वे का नहीं कहते रात्रि कुछ अलग क्वेश्चन है बोल रहे हैं नेक्स्ट है चौबीस मार्च दो हजार इक्कीस के को मनाए गए रोग दिवस का थीम किया था क्षय रोग दिवस का थीम है द क्लॉक इज टीचिंग 2025 तक क्षय रोग तक मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है क्षय रोग से प्रभावित अंग है फेफड़ा नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का है उसे जीआई टैग मिला है जीआई टैग के बारे में बताते हैं दार्जिलिंग का चाय का सबसे पहले जीआई टैग मिला था ये मिलता है दस वर्ष के लिए इसका हिंदी है भौगोलिक संकेतक नेक्स्ट पे चलते हैं महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है ये बन गया है उत्तराखंड नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह किया गया है रवि जैकवाड़ का नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षण आयोजन किया गया है यह किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना का शुरुआत किया गया है नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट दो हज़ार इक्कीस जारी किया है ये किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नेक्स्ट है हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है ये एथलीटिक है खिलाड़ी हेमा दास एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है असम की है नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में जी ट्वेंटी देशों की विदेशी मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित किया गया है ये किया गया है इटली में नेक्स्ट पे चलते हैं वर्ष दो हजार इक्कीस में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा ये किया जाएगा वर्ष दो हजार इक्कीस में कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार में नेक्स्ट पे चलते हैं रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश के देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है ये है बांग्लादेश में नेक्स्ट है अप्रैल माह में मनाए गए त्यौहार में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है तो इसमें सभी सुमेलित है जूड़ी शीतल बिहार में, में मनाया जाता है विश्व केरल में शिकमो गोवा में नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है ये क्या है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नेक्स्ट है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध है राजस्थान से नेक्स्ट है किस अनाज पर एम एस एम एस पी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है ये किया गया है चावल के लिए सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा देश में चावल होता है चीन में नेक्स्ट है बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा है केंद्रीय विश्वविद्यालय के खोलने का घोषणा है लेह लद्दाख में तो आज का लास्ट क्वेश्चन था आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अगर थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया है बोलने में तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत रात में बनता है जैसे देखिए आपको टाइम दिखाते हैं दो बज के दो मिनट हो रहा है तो आप सभी अगर वीडियो में कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा